सो प्लीज बी केयरफुल, ओके, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, ताकि बाद में आप सफर ना करें. चलिए, सो लेट अस गो इनटू पॉरीफेरा. नाउ अभी अगर आप पॉरीफेरा देख रहे हैं तो पॉरीफेरा में क्या है, आपका जो टर्म कैसे रखा गया, पोरस प्लस फेरेइन. ओके, तो पोरस प्लस फेरेइन से नाम पड़ गया पॉरीफेरा. तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पॉइंट्स एनसीईआरटी में है वो पढ़ लेते हैं, फिर आप डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. चलिए, तो नाउ यहां देखिए, फाइलम पॉरीफेरा. तो एक्चुअली क्या है ये, तो ये मेरा लिखा हुआ है ब्लैक, व्हाट एवर इज ग्रीन इज एनसीईआरटी. ओके, तो इनका कॉमन नेम क्या है, स्पंजेस. व्हाई दे आर कॉल्ड स्पंजेस, बिकॉज दे लुक लाइक द स्पंज. तो आपके घर में जो स्पंज नहीं मिलता है, गद्दी गद्दी वाला स्पंज, ये उस जैसा दिखता है, उसमें काफी सारे छेद हैं. That is why they were called sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. मतलब इनका कोई symmetry नहीं reported है. These are primitive multicellular animals. What is primitive multicellular बोलिए? इसमें division of क्या labor नहीं है, okay? And each and every cell manages its own business. तो इसको कौन सा बॉडी प्लान बोलेंगे, बोलिए. सेल्युलर बॉडी प्लान, एग्रीगेट. सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, समझ रहे हो. तो ये बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेट, समझ में आया. नाउ अब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब क्या है, दैट the body is made up of groups of cells but there is no division of labor between, okay. So isliye true multicellular kya hota hai, jab definite tissues banenge, jab division of labor hoga and so on, theek hai. Now body plan agar cell aggregate hai to what is the level of organization, cellular. Why? यहां ईच एंड एवरी सेल मैनेजेस इट्स ओन बिजनेस, समझ रहे हो. हर सेल अपना काम खुद करता है. एनी डाउट्स, बोलो. चलिए, नो सर. नाउ स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. तो सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्पॉन्जेस इज कैनाल सिस्टम. तो मैं उसको सुपरस्क्रिप्ट वन कर रहा हूं, क्यों बोलिए. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आज के लेक्चर से मैंने ये नया चीज सीखा कि आज से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, तो जो एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं उसमें सुपरस्क्रिप्टिंग कर देंगे. तो मतलब जिसका जो नंबर दिया गया वो उतना इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि टेल मी वन पॉइंट अबाउट स्पॉन्जेस, तो आप क्या बोलेंगे. कैनाल सिस्टम, ओके, कैनाल सिस्टम. नाउ पैराजुलोजी या जो फॉल्ट मल्टीसेलुलर बॉडी है इसको हम सेकेंड पॉइंट देंगे, ओके. सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब इसको हमने क्यों पैराजोआ में रखा, बिकॉज इसमें फॉल्ट मल्टीसेलुलरिटी होता है. What is fault multicellularity? बोलिए, इसमें कोई division of labor नहीं होता. Understood? So this is why it is called. So this primitive multicellular animals का मतलब भी वही है. So this is sorry. So कहाँ गया? इसका भी जो superscript 2 है. तो दो 2 का मतलब क्या है? तो दोनों एक ही चीज है. Okay? Now, water enters through many pores, तो ostia mouth है, okay? And उसके बाद जाता है कहाँ? Spongocele. तो spongocele आपका third important point है. Why? That is the cavity of the sponges.
उसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। नाउ फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम या एनस। ओके, तो ऑस्क्यूलम को हम लोग एनस बोलते हैं, बट ये एक्चुअली एनस, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, नियरली एनस, इसको नियरली माउथ कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना रहे। दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी हमारा पॉइंट नंबर वन है। और क्या, क्लियर? नाउ कुआनोसाइट्स, एक्चुअली कुआनोसाइट्स जो है उसको हम लोग टू करेंगे एक्चुअली, तो इसको थ्री कर देंगे। अकॉर्ड टू कहां लिखा था हमने, यहाँ, सो दिस इज थ्री। तो कुआनोसाइट या कॉलर सेल्स, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ओके, सो दे आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एनिमल्स, किसी और एनिमल में ये नहीं मिलता। एंड हम देखेंगे नीचे दैट इनका रिश्ता प्रोटोजोआ से है। सो क्वानोसाइट्स लिंक देम विथ प्रोटोजोआंस या प्रोटिस्टा, समझ रहे हो? तो इसलिए अदर एनिमल्स विच हैव कॉलर सेल लाइक स्ट्रक्चर आर प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका हर खाना को आपको खुद डाइजेस्टिव, सी देखो इनमें तो टिश्यू भी नहीं बना, तो इसलिए ऑर्गन सिस्टम कहां से आएगा? तो इसलिए इसके पास कोई भी सिस्टम नहीं होता है, नो सिस्टम्स। ओके, चलिए ना, उसके बाद बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। तो ये जो स्केलेटन है ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आपका स्केलेटन, ओके, वो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसी स्केलेटन के कारण उनका क्लासिफिकेशन होता है, क्लियर? नाउ स्केलेटन में आपका स्पिक्यूल्स होते हैं, तो स्पिक्यूल्स को हम लोग पॉइंट क्या देंगे, 4A। एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर्स को हम लोग क्या देंगे, 4B। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, ये आज से मैंने शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड, तो मैं इससे क्या होगा आपको भी पता चलेगा इंपॉर्टेंस क्या होता है। चलिए, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये डायर, ये तो वेरिएबल है, मैंने एक्चुअली ये एनसीईआरटी लिखी है, एनसीईआरटी लिखा है। ओके, तो हम देखेंगे हर तरह का ऑर्गेनिज्म मिलता है, डायोशियस एनिमल भी मिलते हैं एंड हर्माफ्रोडाइट्स भी मिलते हैं। तो स्पॉन्जेस आर नॉट, क्या स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें भी और पॉइंट्स हैं, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 5 पॉइंट देंगे, बट आपको और पढ़ना है वो हमारे लेक्चर में मिल जाएगा, एनसीईआरटी लिखी नहीं, क्योंकि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने नहीं लिखा है, जो गेम्यूल है। ओके, उसको इंटरनल बडिंग बोला जाता है, तो इसलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया है। तो ये 5 है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, 5A। ओके, 5A, फाइन। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज। तो ये लार्वल स्टेज का भी नाम नहीं दिया है, ये आपका 6 है। तो इसका लार्वल स्टेज 2 तरह का होता है, सॉलिड लार्वा को पैरेन्काइम्यूला बोला जाता है, एंड आपका जो हॉलो लार्वा है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्फीब्लास्ट, ठीक है। एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स, तो दीज आर पॉइंट्स गिवन इन एनसीईआरटी। अब हम आगे हाईलाइट करें, एनीथिंग यू हैव टू आस्क एनीबॉडी ऑफ यू? सी, दुख क्या है, प्रस्मित को मार्क नहीं आता है, बट वो डाउट नहीं पूछेगा। अब आप शर्मिले हो, उससे मैं क्या करूं बताओ भाई, मुझे आपसे शादी थोड़ी करना है, तो आप शर्म करोगे तो मैं क्या करूं बताओ। तो इसलिए इधर गुरु से कोई शर्माना वर्माना नहीं होता है, यू हैव टू हैव डिस्कशंस। ओके, तो व्हेन यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क, इफ यू डोंट हैव डाउट्स यू शुड गेट 100 out of 100 marks। Am I wrong, Rasmit?
यस हैं, आई एम रॉन्ग? नहीं सर, यू आर करेक्ट। ताले, जब आपका डाउट है तो पूछते क्यों नहीं हो, एंड अगर डाउट नहीं है तो मार्क क्यों नहीं आता? पाए तो बी स्मार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ा। तुम लॉयलाइट्स होके शर्मा रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग गरीब डीएवी वाले, हम लोग शर्माएंगे, तुम लोग लॉयलाइट्स होके शर्मा रहे हो। चलिए अब आ जाएंगे जेसीआरटी लेक्चर। तो दिस इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का मतलब क्या है? पोरस प्लस फेरेइन। तो पोरस का मतलब क्या है? होल्स। फेरेइन का मतलब क्या है? बियरिंग। सो दीज आर एनिमल्स हुज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ पोर्स। छेद ही छेद है इसके बॉडी में। ओके नाउ दे इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स। समझ में आया? गुआनो फ्लाजेलाटा। इसीलिए अब यहां मैं क्या करूंगा, स्टार दे दूंगा इस तरह से। तो प्रोटेरोस्पोंजिया डबल स्टार, ये आपको याद रखना है। मतलब ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? प्रोटिस्टा एंड क्या, एनिमलिया। समझ रहे हो? प्रोटोजोआ एंड एनिमलिया। प्रोटोजोआ क्या प्रोटिस्टा नहीं है? बोलो। तो जब हम प्रोटिस्ट, तो फिर अब जिसका जिसका मिलन कराओगे ना, अब तुम्हारा डैडी के साथ लड़की के डैडी खड़े होंगे ना, तुम तो लड़की खड़ी होगी। हाँ बोलो। तो लड़की खड़ी, लड़की खड़ी होगी डैडी के साथ, बेवकूफ। तो समझ गए, मेरा बापू किसके साथ बात करेगा? लड़की के बाप के साथ ना, उस लड़की के साथ। शादी के लिए, तेरा हाथ देने के लिए किससे बात करेगा? पिताजी से बात करें। ताहले भाई, जिसका जिससे मिलन कराओगे ना, वो एनिमलिया इज ए किंगडम। तो प्रोटोजोआ से क्यों मिलाओगे? तो किंगडम का मिलन किंगडम से। हाँ, आप फाइलम मिलाना चाहते हो तो फाइलम कुआनोफ्लाजेलाटा कह लो विथ क्या? तो पानी तो ले दिला। हाँ, तो उसका आप परिफेरा के साथ मिलन कराओगे एंड सो। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार दे दिया, याद रखेंगे। नाउ ही द नेम वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट एडमंड रैंट। ओके, उन्होंने इसका नाम दिया था, जो कि एक ब्रिटिश एनाटॉमिस्ट एंड जूलॉजिस्ट है। इट इंक्लूड्स 10,000 स्पीशीज बोथ लिविंग एंड फॉसिल। ओके, माने दोनों मिलाकर अब अलॉन्ग 1400 जेनेरा। ओके, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। दे आर ग्रुप अंडर क्या? ए सेक्शन कॉल्ड पैराजोआ। मतलब क्या है? व्हाट इज पैराजोआ? फॉल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को क्या कहते हैं? पैराजूलोजी। ओके, तो स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज पैराजूलोजी। अभी हमारा पॉरीफेरा खत्म होगा, अगला दिन टेलीग्राम टेस्ट होगा, ये आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो जिस दिन पॉरीफेरा खत्म, अगले क्लास में टेस्ट, सो बी रेडी फॉर इट। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाइए हिस्ट्री। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एरिस्टोटल, सोचो एरिस्टोटल बीसी में जानते थे कि वो एनिमल्स हैं। इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन दैट इन बिफोर क्राइस्ट टाइम ही न्यू देवर एनिमल्स, बट आफ्टर एरिस्टोटल पीपल क्लासिफाइड देम एज प्लांट्स। ओके, दे पुट देम इन जू फाइटा, एनिमल लाइक प्लांट्स। देख रहे हो कि नहीं? तो क्यों भाई उनको हमने प्लांट्स में रखा? बिकॉज। ओके, व्हाई यू हैव केप्ट इन प्लांट्स? बिकॉज एक तो वो सेसाइल थे, कुछ ग्रीन कलर के भी थे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करते थे एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड प्लांट्स। एलिस
pointed out that sponges were animals. तो सबसे पहले animals किसने बोला था? Ellis ने. Linnaeus, Lamarck and Cuvier placed them along with coelenterates in order zoophyta. तो इन तीनों ने क्या किया? Zoophyta order में सबको रख दिया. Coelenterates, coelenterate में कौन-कौन है? Nidaria, Ctenophora and Porifera. इन तीनों को zoophyta में रख दिया. Robert Grant ने उनको अलग कर दिया Porifera को. चलो बाहर आओ. तो he separated Poriferans and created a new phylum. ठीक है. Huxley and Solas proposed complete separation of sponges from other metazoans. क्योंकि हम लोग protozoa metazoa बोलते हैं ना, तो उन्होंने स्पॉन्जेस को मेटाजोआ से अलग कर दिया. क्यों? क्योंकि स्पॉन्जेस है फॉल्स मल्टीसेलुलरिटी एंड मेटाजोन्स क्या है बोलिए? फॉल्स मल्टीसेलुलरिटी एंड मेटाजोन्स क्या है? ट्रू मल्टीसेलुलरिटी. अंडरस्टूड? ट्रू मल्टीसेलुलरिटी. क्लियर? उसके बाद सोलास प्लेस देम इन ब्रांच पैराजोआ. तो हु क्रिएटेड द ब्रांच पैराजोआ? सोलास. उन्होंने उनको अलग कर दिया. एंड क्यों पैराजोआ में रखा? एनिमल्स विद सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान एंड फॉल्स मल्टीसेलुलरिटी. कोई शक? ठीक है. अब हैबिट्स एंड हैबिट, अब जनरल कैरेक्टर्स. तो सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग एक फॉर्म फिलअप करने जैसा पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि अगला पॉइंट मुझे लिखना क्या है. सो इफ यू नो व्हाट यू हैव टू राइट नेक्स्ट द लाइफ विल बी इजियर फॉर यू. कोई शक? तो इसीलिए हम लोग वैसा करेंगे. तो सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट. तो कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, they are aquatic. Okay, ये aquatic है. Sessile, obviously. Okay, mostly marine, but one family found in freshwater also. उसका नाम क्या है? Spongylidae. तो इसमें भी हम लोग मारेंगे double star. Okay, so Spongylidae. ओके, तो ये आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस फैमिली है. एग्जाम्पल क्या क्या है? स्पॉन्जिला एंड एफिडाटिया. तो इसलिए इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बोलो? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. चलिए, इंडिविजुअल्स आर सेसाइल, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, नो लोकोमोशन व्हाटसोएवर. मतलब ये कोई मूवमेंट कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं करते. डिड वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? यस. तो व्हाट इज लोकोमोशन? चेंजिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन. अगर आप ज्योग्राफिकल पोजीशन चेंज करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. अगर आप सिर्फ खड़े होकर हाथ हिला रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? Movement. So if there is no change in your geographical position, उसको हम क्या कहेंगे? That is called what? That is called movement. Okay? चलिए, so they contain flagella in their collar cells. तो collar cells इनके लिए दाल रोटी है and उसमें उनमें flagella होता है. So that is why they are also called flagellated cells. और क्वानोसाइट्स. तो क्वानोसाइट्स या फ्लैजेलेटेड सेल्स. तो अगेन हम जानते हैं इसके बारे में, हम डबल स्टार मारेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लाइनिंग द बॉडी कैविटी. ओके, एंड दस सेट अप वाटर करेंट्स. तो समझ रहे हो? तो ये वाटर करेंट सेटअप. तो अगर व्हाट हैपेंड, देखो अगर आप सेसाइल हो तो प्रॉब्लम क्या है बताइए? आप खाना बाहर से नहीं ला सकते, दूर से नहीं ला सकते. नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सेसाइल? द
दैट यू आर डिपेंडेंट, आप फूड के लिए डिपेंडेंट बन गए हो. ओके, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. तो इसीलिए आपको किसी ना किसी तरह से पानी को लाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज पानी आपके लिए खाना. तो ओके, देख रहे हो, सेट्स अप वाटर करेंट्स. तो जैसे ही वाटर करेंट आएगा तो दे हेल्प इन इनफ्लो ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड गैमेट्स. दे ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, CO2 एंड गैमेट्स. तो इसीलिए आप जेहेतु सेसाइल हो, आपको एक ऐसा सेल चाहिए जो आपके लिए पानी ला सके एंड बाहर फेंक सके. कोई शक? No. चले, तो बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, मतलब उसमें दो जर्म लेयर्स होते हैं. आउटर वाले को एक्टोडर्म बोला जाता है एंड इसको हम पिनाकोडर्म भी बोलते हैं. Why? Because they are made up of pinacocytes. So they are made up of flat pinacocytes. So ye pinacocytes bhi aapka kya ho jayega? Double star, single star maar denge, double star maar. Samajh mein aaya? And an inner ectoderm, endoderm, ya usko choanoderm bolte hain. क्यों क्वेनोडर्म बोलते हैं बोलिए? बिकॉज क्वेनोसाइट्स लाइन करते होता है, सो दे हैव क्वेनोसाइट्स. ओके, सो लाइक दैट. चलो, एज दे आर मेड अप ऑफ क्वेनोसाइट्स, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर इज ऑक्यूपाइड बाय अ जेलेटिनस मैट्रिक्स, द मेसेनकाइम. समझ रहे हो? तो मेसेनकाइम इसका एक कंसेप्ट है. तो याद रखिए, तो मेसेनकाइम का मतलब, ये कंफ्यूजन टॉपिक है. जैसे सपोज हम लोग देख रहे हैं, ओके, तो यहां हमने एक लेयर ऑफ सेल्स रखा है एंड यहां हमने एक और लेयर ऑफ सेल्स रखा है. क्लियर? तो सपोज ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, उसके बीच में हमने क्या रखा है? ओनली नॉन लिविंग लेयर. तो सपोज ये ओनली नॉन लिविंग लेयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेसोहाइल या मेसोग्लिया. ओके, अगर ये सिर्फ क्या हुआ, इट इज ओनली नॉन लिविंग, तो ये नॉन लिविंग होता है. बट अगर उसमें प्लस सेल्स होंगे, that too differentiated, तो ये क्या बन जाएगा? This will be mesenchyme. Mesenchyme. Is it understood? तो ये एक controversial topic है, इसके related आपको doubts आ सकता है. तो अगर कुछ है तो कुछ बताइए. समझ में आया? तो अगर सिर्फ cells नहीं है and सिर्फ matrix है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोग्लिया. अगर उसके साथ डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, मेसेनकाइम. अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो मेसोडर्म. कोई शक? नो सर. चलिए, सो आप आगे चला जाए. तो इसीलिए आप मेसेनकाइम में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमीबोसाइट्स. तो एमीबोसाइट्स आर द एमीबा लाइक सेल्स. तो ये इनको हम एमीबा लाइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका सूडोपोडिया बना बना के मूव करते हैं. सो दे मूव इन द सिस्टम. ओके, तो इसलिए दे लुक लाइक अमीबा एंड दे मूव लाइक अमीबा. इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? एमीबॉइड सेल्स. कोई शक? ना, अलग अलग तरीके के एमीबॉइड सेल्स है, हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए, सो नाउ ये आपका डायग्राम देख सकते हैं, वी हैव ब्यूटीफुल डायग्राम हियर. फाइन, तो ये आपका जो वो रिजेम्बलेंस बता रहा है,
क्लियर. नाउ प्लीज सी हियर, चलिए. सो आप देख रहे हो कि नहीं, तो ये आपके जनरल यूकैरियोट्स हैं. तो यूकैरियोट्स का एक ब्रांच है क्वानोफ्लाजेलेटा, तो जिसमें इंडिविजुअल सेल्स को क्वानोफ्लाजेलेट सेल्स बोलते हैं. एंड जो एनिमल्स का एक टाइप है स्पॉन्जेस, उसमें भी कॉलर सेल है. इसका मतलब अब क्या कहेंगे, दैट क्वानोफ्लाजेलेट्स आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्रोटिस्टा एंड पॉरीफेरा ऑफ एनिमलिया. ओके, तो दिस इज व्हाट वी विल से, अंडरस्टूड. एंड बाकी ये इसलिए इसको हमने क्या बोला, सो इसको हमने बोला पैराजोआ. सो दे आर डिफरेंट. ओके, लिखा था पहले से एक्चुअली. तो ये डिफरेंट है, तो ये पैराजोअन्स हैं. एंड बाकी जिसमें आपका डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है वो मेटाजोआ बनता है. क्लियर, इज दिस डायग्राम अंडरस्टूड? तो नाउ ये जो है ये क्वानोफ्लाजेलेट का एक सेल है, एंड ये जो है ये क्वानोसाइट है. तो डोंट दे लुक अलाइक? यस सर. तो आप समझ रहे हैं उसको क्यों हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. चलिए, अब ये आपका स्पॉन्ज बॉडी वॉल है, देख रहे हो. तो इसमें आपका अलग अलग लेयर्स दिख रहा है. ये जो आउटर मोस्ट फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सो दे आर पिनाकोसाइट्स. ओके, तो इसलिए पिनाकोसाइट कहाँ लिखा है, देखो एपिडर्मिस. द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एपिडर्मल सेल्स, इनको हम लोग लिख लेंगे क्या, पिनाकोसाइट्स. ठीक है, तो वी विल राइट अबाउट देम. तो ये आपके पिनाकोसाइट्स हो गए, एंड इसीलिए आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, पिनाकोडर्म. ठीक है, नाउ ये जो है ये ऑस्टिया हैं, ये आपके बहुत सारे छेद देख रहे हो, तो दे आर कॉल्ड ऑस्टिया या इनलेट्स. तो यहां से पानी अंदर जाएगा, तो इफ यू टेक अ नैरो विल शो दैट वाटर एंटर्स इनसाइड. इसका कलर चेंज करते हैं, तो वाटर कहाँ जा रहा है, वो अंदर जा रहा है. फाइन, तो इसलिए वो ऑस्टिया है, ये ऑस्क्यूलम है, यहां से पानी बाहर जा रहा है. एंड ये जो कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील, कोई शक? नाउ तो ये एक सिंपल कैनाल सिस्टम आप देख रहे हो. इसमें जो आउटर चॉकलेट लेयर है वो पिनाकोडर्म है, जो बीच में येलो लेयर है वो मीजेनकाइम है. अगर मैं इसको और बड़ा करूं आपके लिए, पाइन देख रहे हो, अब दिखा आपको बीच वाला येलो ब्राउन लेयर. एंड जो अंदर वाला ब्लू लेयर है वो क्या है, वो क्वानोसाइट से बना है, दैट इज कॉल्ड क्वानोडर्म. ठीक है, तो अब तो ये क्वानोडर्म है, ये मीजोहाइल है, ये एक्टोडर्म. फाइन, तो इसीलिए वाटर रूट इसका बताइए, पानी कैसे अंदर आएगा, आउटसाइड टू ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील टू ऑस्क्यूलम टू आउटसाइड. आउटसाइड से आएगा ऑस्टिया, ऑस्टिया से आएगा स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से जाएगा ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से जाएगा आउटसाइड. नाउ अगर आप ये मेसेनकाइम में येल्लो येल्लो ट्राइंगल ट्राइंगल कुछ देख रहे हो, so they are called spicules. Okay? ये कांटे जैसे spicules है, and जो blue blue cells है, they are amoebocytes. तो हम इसको और आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अच्छा फोटोग्राफ है. Okay, चला जाए आगे. Yes. हाँ, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो शेप, तो हर तरह का शेप आपको स्पॉन्जेस में मिलता है, लाइक सिलिंड्रिकल ल्यूकोसोलेनिया एग्जांपल है, वास शेप साइकोनग्रांटिया है, ट्री लाइक माइक्रोसियोना है, फिंगर लाइक हेलिक्लोना है,
लीफ लाइक फाइलोस्पंजिया है, कुशन लाइक यूस्पंजिया है, रोप लाइक हायलोनिमा है, बाउल शेप फेरोनिमा। तो ये सब अलग अलग शेप के एग्जांपल्स हैं, तो आप जब फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सिमेट्री, तो अगर आप कॉलोनियल स्पॉन्जेस में देखेंगे तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं, दे आर वेरी लार्ज एंड एसिमेट्रिकल, बट सम सॉलिटरी स्पॉन्जेस शो रेडियल सिमेट्री। ओके, तो जैसे ये वाला है, ये कौन सा सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री, रेडियल रेडियल, ये सॉलिटरी एनिमल है तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखा गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाइए, सरफेस बियर्स न्यूमरस पोर्स, उसको ऑस्टिया बोलते हैं, थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द स्पॉन्जोसिल। ओके, नाउ उसके बाद वो ओके, थ्रू विच वाटर वाया द वाटर कैनाल्स, दीज आर ओपनिंग्स और इनलेट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो इसीलिए ऑस्टिया क्या है, ये ओपनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम है। ओके, जैसे दरवाजा जो है वो क्या है, दैट इज ओपनिंग ऑफ योर हाउस, तो उसी तरह ऑस्टिया जो है वो ओपनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम है। ठीक है, वाटर इवेंचुअली एग्जिट्स थ्रू एन आउटलेट नोन एज ऑस्क्यूलम, एग्जिट या एनस। ठीक है, देख रहे हो, ये मैंने आपको तीन अलग अलग तरह का कैनाल सिस्टम दिखाया है। ये एस्कॉन टाइप है जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। ओके, तो एस्कॉन टाइप जो है उसको सबसे सिंपलेस्ट टाइप बोला जाता है कैनाल सिस्टम का। उसके बाद जो आपका साइकॉन टाइप है, ये है मोर कॉम्प्लेक्स, एंड ल्यूकॉन टाइप जो है वो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट कौन है, एस्कॉन टाइप। ओके, तो एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट है, फिर आ जाएगा साइकॉन टाइप, एंड फिर आ जाएगा ल्यूकॉन टाइप। ओके, इसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो करें। देख रहे हो, तो एस्कॉन टाइप में आप क्या देख रहे हो, बॉडी वॉल फोल्ड है या नहीं है? नो फोल्ड्स, नो फोल्ड्स। बट साइकॉन टाइप में आप बॉडी वॉल फोल्ड देख रहे हो, तो इसमें yes, इस yes, तरह का कैनाल बन रहा है, फिंगर शेप कैनाल्स। तो फिंगर शेप कैनाल का मतलब कौन सा शेप होता है, बोलिए, सिलिंड्रिकल। Fine. तो इनमें जो कैनाल का शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, अंडरस्टूड। बट ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है, स्फेरिकल कैनाल्स। ओके, तो वो स्फेरिकल होते हैं। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्फीयर का, स्फीयर का। अब आप सुनिए, अब सपोज हम लोग खाना खाएंगे, आज जो है सैम जो है उसके पापा मम्मी ने डिसाइड किया आज आउटडोर फूड आएगा, वेडनेसडे है, तो बढ़िया मटन शटन सब मंगाए। ओके, 2 किलो मटन का सब्जी मंगाया, 20 नान मंगाया, 3 प्लेट पुलाव मंगाया, एंड पनीर ठनीर सनीर सब मंगाया। तो नाउ विल ऑल द फूड बी कंज्यूम्ड इन योर फैमिली सैम, हमारे तो खत्म हो जाता है। इतना खा लेते हैं तुम लोग, हैं 20 नान, 3 प्लेट पुलाव, 2 किलो मटन, हैं? सर इतना नहीं, सर इतना कौन खाएगा, बावरी हो गए, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। अब डैडी तो इतना ले आया भैया, तो व्हाट विल हैपन टू द फूड, बोलो, इट विल बी वेस्टेड,
फ्रिज में रहेगा। अरे फ्रिज नहीं, वेस्ट होगा, समझ में आया? नाउ सपोज आपका फ्रिज नहीं है तो वेस्ट होता ना। नाउ अब सुनिए, 2 किलो मटन है तो आप जो मर्जी पीस खाओगे ना वही खाओगे जो पीस आपको अच्छे लगते हैं, चुन चुन के। जल्दी बोलो, घंटा भर मत लगाओ। So, जो पीस अच्छा लगता है वही खाएंगे ना, जो मर्जी चुन चुन के खाएंगे। जो मैं दूंगा वो खाओगे, जो मैं दूंगा वो खाओगे ना, अपना ढूंढ ढूंढ के खाओगे सर, अपना ढूंढ ढूंढ के ढूंढेंगे। ओके, तो यू आर लग्जरी। नान का पूरा नान चट करोगे ना, ओनली वही जो सॉफ्ट सॉफ्ट पीस है वो साइड वाला फेंक दोगे, सॉफ्ट वाला पीस। क्यों? बिकॉज आपके पास बहुत है, फेंकने के लिए बहुत खाना है, एंड कुत्तों की कमी थोड़ी है। बट जैसे ही आप खाना खाना शुरू किए करने वाले थे, घंटी बजा और हम सब आ गए, ऑल ऑफ अस सैम जे जे विद फैमिली, सारा बच्चा पार्टी, संकल्प, स्थित, सब आ गए। तो अब क्या होगा तुम्हारे हिस्से का मटन का? मैं तो मटन खाती नहीं हूँ, इसलिए जिसको भी खाना है खा सकते हैं। तुम बेवकूफ हो, मैंने आपको बोला ना, जब मैं बोलूं खाना है तो खाना है, बस समझ रहे हैं। चलिए, तो अब आप कौन सा पीस खाएंगे? चुन चुन के ना, जो मिला, जो मिला होगा वही खाएंगे, जो मिला। मतलब कि जो मिला होगा वही। आप सपोज संकल्प को एक वर्टिब्रा मिला है बस, तो बेचारा नोच नोच के खा रहा है, अब करे क्या? मटन वाला पीस मिला ही नहीं, हड्डी वाला मिल गया, तो अब उसके मजे ले रहा है, एक एक कोना का उंगली घुसा घुसा के मटन नोच नोच के खा रहा है। Why? Because you have only one piece. But अगर भरमार होता तो थोड़ी उसको खाता तू ऐसे, वो फेंक देता। तो समझ में आया? तो इसलिए why there is more complexity in the sponge body wall? In order to maintain a big colony. तो जितना कॉलोनी बड़ा होता होता जाएगा, उतना वाल मोर कॉम्प्लेक्स।